गोदाम में बैठी है और यहाँ पे साथ में लाइट भी चली गई यार। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी है, सहन होती थी रखी गर्मी, और बीच में लाइट चली गई है। जैसे चंबा कुल्लू में ठंड रहती है, ठंड रहती है, इधर पंखी की हवा ऊपर ऊपर ही घूमती है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आदत होगी यार। यहाँ पे फ्रेश पानी, ठंडा पानी मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से गांव में बॉडी होती है उसी तरह के यहाँ पे। यहाँ का खाना कैसा लगता है आपको? मजेदार है ना। हेलो गाइज, क्या हाल चाल? फिर से आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और ये वाली वीडियो फिर से मेरी गोप्रो से बन रही है। आपको मैंने बता दिया था कि मेरा गोप्रो बहुत टाइम से ख़राब हो रखा था, तो फाइनली गाइज मैंने अपना गोप्रो बनाया है। और आज संडे है, और संडे तो आज मैं लेट उठा सो के, और अभी दिन के 11-12 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं। तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज बाहर चला जाए कहीं खाने पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है, और आज वैसे भी रूम में मैंने खाना बनाया नहीं है। और तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, गर्मी में ऐसा रहता है कि मन ही नहीं करता यहाँ खाना बनाने का, तो कई बार मैं दिन का खाना बाहर खा लेता हूँ, बट अभी मैं बहुत टाइम से बाहर का खाना नहीं खाया, तो आज देखते हैं कहीं बाहर कहाँ कहीं स्पेशल खाना कहीं खाएंगे, देखते वाला। चलिए चलते हैं। हरियाम में किस तरह से पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, कुछ अलग टाइप के वृक्ष होते हैं। मुझे देख के तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है देख के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि जड़ें जो होती है पेड़ के वो ऊपर ऊपर इसके टॉप में होती है जड़ें, और टॉप से नीचे लटक रही होती है जड़ें। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ऊपर से ऐसे नीचे को आ रही है जड़ें इस तरह से। बाकी पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, कहीं भी पानी सूख जाएगा हैंडपम्प का पानी सूख, लेकिन ये वाली जगह है यहाँ कभी भी पानी सूखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक लोग यहाँ पे पानी ले रहे हैं और कपड़े भी धो रहे हैं। और तो मैं बता रहा था कि आज हम कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, तो अभी मुझे कॉलेज से फ़ोन आया कि वहाँ पे एक जग चला है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं जग में, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। जहाँ पे पानी हमेशा रहता है, अगर कहीं भी देर में पानी सूख जाए तो इस जगह में कभी भी पानी नहीं सूखेगा, बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश पानी, ठंडा पानी मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से गांव में बॉडी होती है उसी तरह के यहाँ पे बॉडी का पानी फ्रेश रहता है, और ये 24 घंटों चलता रहता है, कभी भी पानी सूखेगा नहीं। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर बाकी जगह में पानी सूख जाएगा, लेकिन यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। और ये आजकल गर्मियों में पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, मतलब फ्रिज का पानी उससे भी ठंडा रहेगा पानी। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग पानी भर रहे हैं, और कुछ बच्चा लोग भी यहाँ पर आसपास में। ये है कॉलेज का कैंपस और स्कूल का कैंपस, तो आज यहीं पे जग चला है। अभी मुझे कॉल आया था कॉलेज से कि यहाँ पे जग चला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक लोग आ जा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं यहीं पे खाने। तो गाइस अभी हम आके धाम खाने, यहाँ की कांगड़ा की धाम खाने, और मैं क्यों, ये जो लोग हैं ये हम कुल्लू से ही है और कुछ चंबा से ही है, तो हम लोग वहाँ पे कुल्लू हमारे ऐसे रहता है कि हम धाम खाने ज़्यादा नहीं जाते हैं, है ना, हमारे यहाँ रहता है कि हम धाम खाने ज़्यादा नहीं जाते हैं, यहाँ पे पर आदत हो गई है ना। थोड़ा कांगड़ी धाम बड़ी टेस्टी रहती है, ये मैं आपको बता दूँ, है ना। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? और यहाँ का खाना कैसा लगता है आपको? मज़ेदार है ना। आपको लगता है? अच्छा, चलो चलो चलो, आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं यहाँ पे, और अपना कॉलेज का कैंपस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी नंबर भी नहीं लगे, धूप भी है बहुत। ये आज जो ये धाम हो रही है ना, अपने कॉलेज में ही हो रही है, कॉलेज के कैंपस में। आपको मैं बता दूँ, ये देहरा का जो कॉलेज है ना, ये स्कूल के कैंपस के साथ ही है। कॉलेज नया है, 2017 में बना था, और ये देख सकते आप, ये कैंपस है, स्कूल का भी है और साथ में कॉलेज का भी है, और हमारी क्लासेस यहाँ पे होती है, यहाँ पे मेरे क्लासेस ये बना जो है। और आज संडे और बंद है यहाँ पे, इसे धाम रखी है लोगों ने यहाँ पे। बैठ कहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, चीज़ लो। आपको कैसे लगते हैं यहाँ गर्मी में? बहुत ही ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ, मतलब जैसे चंबा कुल्लू में ठंड रहती है, ठंड रहती है, इधर पंखी की हवा ऊपर ऊपर ही घूमती है। चलिए बिल्कुल, अब तो आदत होगी यार, एक दो साल हो गया। तो क्या मौसम में ऐसे खराब जैसा रहता है? अच्छा, तो गाइस आज वैसे में प्लान कर रहा था कि आज मैं बाहर कहीं खाना खाऊं, कहीं होटल, मतलब बहुत टाइम से मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, और आज संडे भी था और मेरा मन भी नहीं था खाने खाने का बनाने का। तो फाइनली फिर बाद में बता दिया कि यहाँ पे धाम चलिए, और कॉलेज से फ़ोन आया था मुझे कि धाम है यहाँ पे, तो देखते बोला है यहाँ पे, अभी थोड़ा वेट ही कर रहे हैं हम अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे धाम में लोग खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, साथ में फ़ैन का इंतज़ाम भी किया है बहुत। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बन रही है पूरी धाम, और कांगड़ी धाम कुछ इस तरह से बनाते हैं लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पोतले रखे हैं, हमारी भाषा में तो उसे पोतले कहते हैं, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं कि क्या बोलते हैं। और यहाँ पे गैस रखी है,
जैसे बना रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े सामान रखे हैं क्या, और वहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े कढ़ाई वो ना बड़े बड़े कड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये रखी है सामने बड़ी मेहनत से लगे हैं लोग भाई। जब हम दाम में बैठे और यहाँ पे साथ में लाइट भी चली गई यार, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सहन होती थी रखी गर्मी, और बीच में लाइट चली गई है, हमारे पीछे दो पंखे हैं, काम कर नहीं रहे हैं देखो, और बाकी जो हमारे साथ आए थे वो भी खड़े हैं, हमने जल्दी से आके नंबर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे पतल आ गए हमारे प्लेट्स आ गए, और हम वेट करेंगे खाने का, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए छोटे 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 बच्चे सर्विस कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, मिल गई सभी को जगह, अच्छा मिल गई वहाँ पे, अच्छा ठीक है खा लो, हाँ यहाँ पे बैठ के आ गए। तो गाइस कांगड़ा की धाम की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे जितने भी डिशेज बनी होती है ना एक साथ ही डालते हैं चावल के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सारी डिशेज एक साथ करते हैं और फिर साथ में खाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये कॉलेज में काम भी था थोड़ा, ये लेटर लेना था कॉलेज से, और कल हम जा रहे हैं धर्मशाला, तो लेटर लेना था कॉलेज से, आज संडे है वैसे भी, तो लेटर दे रखा था यहाँ पे चाचू के पास, चाचू से मैंने लेटर लिया और अब हम वापस जाएंगे थोड़ी देर। तो गाइस मैं फाइनली वापस आ गए जहाँ पे हम खाना खाने गए थे। एक्चुअली मैं जब पहले मैं प्लान कर रहा था मैं कहीं पे बाहर खाने का, मतलब मैं कहीं ढाबे में खाने वाला था खाना कोई यहाँ पे स्पेशल, तो यहाँ पे मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने कहा कि आज वहाँ पे धाम है कॉलेज के पास, तो वहाँ कॉलेज से मुझे कॉल आ रखा था कि वहाँ से मुझे एक लेटर लेना था, तो मुझे कॉलेज तो जाना ही था, एक्चुअली मैं कॉलेज में ही धाम थी कॉलेज के कैंपस में, तो फिर मैं कॉलेज गया और वहाँ पे धाम थी और सब लोगों ने मैंने धाम का मज़ा लिया और मैंने जो मुझे काम था कॉलेज में वो भी हो गया। तो गाइस फाइनली मैं वापस आ गया हूँ, तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट।